बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आई एम वकास अहमद एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स थ्री यूनिट नंबर वन होल नंबर्स एंड दिस इज आर लेसन नंबर सिक्स ऑफ दिस यूनिट इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स अप टू फाइव डिजिट हमने इस लेसन में यह चीज करनी है यह चीज सीखनी है कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे कि किस के कि हम लोग जो है वो नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सके ताकि हमें रीड करने में और राइट करने में ग्रेटर नंबर्स को आसानी हो देखें अब नेक्स्ट शीट पे चलें तो हमारे पास एक लेसन प्लान है ये पार्टिकुलरली टीचर्स के लिए है इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपना लेक्चर 40 मिनट्स में कवर करना है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहां से टीचर्स जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो अब आ जाए असेसमेंट की तरफ बेसिकली जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू है क्या वट इज प्लेस वैल्यू जिस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वट इज प्लेस वैल्यू देखिए मेरे पास एक नंबर है थ्री फोर फाइव इसमें हम लोगों ने हर जो डिजिट है पार्टिकुलर उसकी क्या वैल्यू है सो so, उसकी जो पार्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है प्लेस वैल्यू जो है वो हमें किसी भी गिवन नंबर के अंदर पोजीशन बता रहा होता है पार्टिकुलर डिजिट की एंड देन व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या है कि नंबर कैसे फॉर्म होता है एंड देन व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ गिवन नंबर गिवन नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है एंड देन वाई डू वी स्टडी हम क्यों स्टडी करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं इसको ताकि हम लोग ग्रेटर नंबर को रीड करना और राइट करना ए, उसको जान सकें एंड देन जब आप मार्केट में जाएं तो आपको पता हो कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना हो और आप खुद बता सके कि ये वैल्यू क्या है गिवन नंबर के अंदर एंड देन मेन इसके की पॉइंट्स क्या है प्लेस वैल्यूज ये मैंने अभी आपको बताया कि प्लेस वैल्यूज क्या है हम लोगों ने किस तरह इसको देखना है एंड देन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म ये चीजें इनके ऊपर हमारा अभी फोकस रहेगा इस लेसन के अंदर तो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है जो के आप लोगों ने परफॉर्म करनी है आपकी टीचर आपके सामने करेंगी बट इसके लिए आपके पास ये मटेरियल होना जरूरी है कोइंस एंड करेंसी नोट्स फॉर वन टेन हंड्रेड थाउजेंड एंड देन फाइव थाउजेंड करेंसी नोट्स एंड अ चार्ट पेपर अभी हम लोग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये देखें मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, टेन कॉइन्स हैं, वन रुपी के इनको जब मैंने काउंट किया इस तरह ये मिलकर जो है वो सारे टेन कॉइन्स ये इक्वल किसके होते हैं इस करेंसी नोट के क्योंकि जब मैं इन सारे कोइंस को अपने पॉकेट में डालूंगा तो मेरी पॉकेट जो है वो बारी बारी नजर आएगी बजाय इनके मैं ये एक करंसी नोट भी ले सकता हूं सो so, दिस करेंसी नोट शोज टेन वन टू डिजिट नंबर फर्स्ट टू डिजिट नंबर सो जब मैं इन टेन्स को ये टेन नोट लेता हूं ये वाले टेन रुपीज वाले तो मेरे पास क्या चीज बनती है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड देन टेन जब ये टेन नोट्स बन गए तो मेरे पास इनको मैं एक्सचेंज किससे कर सकता हूं बजाय इन सबको एक ही रखने के मैं इस वन हंड्रेड के इक्वल कर सकता हूं ये और ये दोनों इक्वल हैं सो टेन टेन्स टेन टेन मेक्स वन हंड्रेड सिमिलरली जब मेरे पास हंड्रेड रुपीज के नोट होंगे टेन देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड देन टेन तो मेरे पास ये टेन मिलकर जो क्या बनाएगा वन थाउजेंड के इक्वल होंगे ये आप चीजें चेक करें देखें या तो मैं ये चीज रख लूंगा और जो हमारे पास थाउजेंड है वो फर्स्ट फोर डिजिट नंबर है देखें ये थाउजेंड है और ये टेन नोट्स ऑफ हंड्रेड सो टेन हंड्रेड मेक्स वन थाउजेंड सिमिलरली जब मेरे पास इसके दस नोट होंगे थाउजेंड वाले तो वो क्या चीज बनेगी देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारे नोट जो है इ, मिलकर क्या बनाते हैं ये टेन थाउजेंड बनते हैं उस टेन थाउजेंड को दैट इज द फर्स्ट फाइव डिजिट नंबर उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं ये फाइव थाउजेंड के दो नोट रख लेता हूं टेन थाउजेंड और ये टेन थाउजेंड और ये टेन थाउजेंड दोनों इक्वल हैं सो so, इसमें प्रोसेस क्या होता है हम लोग क्या चीज यूज करते हैं हम लोग ये चीज यूज करते हैं कि जब हम लोग के पास करेंसी नोट्स होते हैं ग्रेटर वैल्यू के जब यूज करते हैं तो हम लोग उसमें देखिए जरा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था टेन थाउजेंड वन थाउजेंड वाले टेन नोट्स थे और फाइव थाउजेंड वाले टू नोट्स थे दोनों जो है वो इक्वल थे So, जो हमारे पास फर्स्ट फाइव डिजिट नंबर था वो टेन थाउजेंड था इसी तरह हमारे पास फर्स्ट फोर डिजिट नंबर क्या था वो था हमारे पास वन थाउजेंड सिमिलरली फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर क्या था हमारे पास वो वन हंड्रेड था एंड देन फर्स्ट टू डिजिट टेन ये किस तरह फॉर्म हुए ये मैंने अभी आपको करेंसी नोट से बताया एंड देन फिर हम लोग हम लोगों ने हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं देखिए जरा इस तरह का वंस टेंस हंड्रेड मैंने सिर्फ एच राइट किया यहां पर हंड्रेड के लिए थाउजेंड टी एच एंड टी थाउजेंड तो ये प्लेस वैल्यूज हैं हमारे पास ये कंप्लीट चार्ट है 10,000 तक और ये क्या है 10 डिजिट सॉरी ये हमारे पास फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है इसी तरह हमारे पास जो है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा फाइव डिजिट ये फाइव डिजिट है हर जो स्पेसिफिक डिजिट है उसकी वैल्यू आपने देखनी है अगेन इस चीज को देखें जिस तरह मैंने आपको एक्टिविटी में अरेंज करके बताए देखें जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आपके पास क्या चीज बनी ये टेन का नोट बन गया मीन्स के हमारे पास जैसे ही टेन जो है कॉइन्स बनते हैं तो हम लोग टू डिजिट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास है वन टेन्स की प्लेस किया ऊपर आ जाता है और ये जीरो आ जाता है सो टेन फर्स्ट टेन टू डिजिट नंबर इज टेन तो हम लोग इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं जब हमारे पास ये नोट होते हैं टेन Ten, टेंथ वाले देखें तो हमारे पास ये हंड्रेड बनाते हैं सिमिलरली नोट करते जाए ये थाउजेंड एंड देन अब ये चीज देखें तो हमारे पास हर जो स्पेसिफिक डिजिट होता है उसकी वैल्यू होती है इसको शो करने का पर्पज यह था कि आप उनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सके जिस तरह मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर दिखाया वो देखें यहां पर ones. इस यहां पर मैंने नोट्स की बजाय सर्कल्स और फिगर्स यूज कर दिए हैं जब मेरे पास टेन वन होंगे तो वन टेन बन जाएगा एक स्टार जो टेन्स वाला है उस वो इक्वल होगा सर्कल्स के टेन सर्कल्स के ये देखें इसके इक्वल होता है सिमिलरली आपके पास टेन जो स्टार हैं टेन वाले तो वो वन ट्राइंगल के इक्वल होते हैं सो so, आप इन्हीं को देखते हुए कि क्या चीज़ बना सकते हैं? देखिए जरा टेन थाउजेंड कितने वन है इसमें फोर था, थाउजेंड वाले कितने आपके पास रेक्टेंगल्स हैं फोर हैं। और हंड्रेड वाले ट्राइंगल्स कितने हैं वन है और ये कितने हैं फोर हैं और ये वन फाइव तो इस तरह आपके पास स्पेसिफिक जो नंबर है वो बन जाता है <coughs> And then, जब हम लोग इनको न्यूमेरिक फॉर्म में राइट करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेन टेन थाउजेंड वाला एक था तो वन राइट कर दिया देन प्लस का साइन यूज करें और इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे इनके प्लेस वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करेंगे इनकी तो हमारे पास क्या चीज बनेगी वो एक नंबर बन जाएगा ये वाला हमारे पास जे वाला नंबर बन जाएगा इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड सो हमारे पास क्या बना फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फाइव सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी कि हर प्लेस की पार्टिकुलर जो डिजिट्स हैं, उन सब की नंबर के अंदर उनको आपने ऐड कर देना है तो आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है और जब उनको इकट्ठा करके राइट करते हैं जमा करके प्लस करके उनका आंसर राइट करते हैं वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है तो आई होप के आप अब रिक्नाइज कर सकते हैं कि जो पार्टिकुलर डिजिट है गिवन नंबर के अंदर उसकी प्लेस वैल्यू क्या है तो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है जो आपने अपनी क्लास में परफॉर्म करनी है ये आपकी बुक का पेज नंबर सेवनटीन है वहां पर है इंस्ट्रक्शन क्या है गिवन आर सम ट्यूब्स एंड एंड राइट नंबर रीड द नंबर ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स कलर दूब कर अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड टू और जीरो आपने इसको कलर कर देना है और फिर इसको कलर कर देना है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड ये इसको कलर कर देंगे और ये फिफ्टी टू तो आपके पास एक पार्टिकुलर नंबर बन जाता है उसको आप राइट भी कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आपके पास था ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स फाइव सिक्स 56, sorry, यहां पर आपने आपने को 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 करना 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 था इसको two को नहीं आपके so, आपके पास पास बन बन जाता है है ये गई तो students, इसी तरह आपने examples को solve करना है जो आपकी बुक के ऊपर है हमने आज के लेसन में क्या चीज देखी हमने देखा recognize करना या आइडेंटिफाई करना कि पार्टिकुलर डिजिट की किसी गिवन नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू क्या है उसकी एक्सपेंडेड का फॉर्म क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन अब आपने क्या करना है राइट एनी फाइव डिजिट नंबर ऑन द बोर्ड एंड राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट देखिये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हर डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करनी है सेवन सिक्स जीरो और फाइव हंड्रेड एंड देन फोर थाउजेंड एंड देन थर्टी थाउजेंड हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आ गई आपके पास करना क्या है कि जिस डिजिट को चूज करना है उसके बाद जितने डिजिट दें तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी तो स्टूडेंट्स <coughs> ये आपका होमवर्क है ये आपने कंप्लीट करना है घर पे और कंप्लीट करने के बाद आपने टीचर को सबमिट करवाना है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू सॉल्व एग्जाम्पल फाइव एंड सिक्स ऑफ पेज फिफ्टीन एंड सिक्सटीन रिस्पेक्टिवली कंप्लीट द अटैच वर्कशीट एंड होम एक्टिविटी ऑफ पेज फोर्टीन ये आपके पास वर्कशीट है इसको आपने कंप्लीट करना है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करनी है तो स्टूडेंट्स जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर जाएंगे तो आपको लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल होंगी वो कैसे मिलेंगी आपने इस पार्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करना है स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन इन वी विल सी इन आर नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज थैंक यू